आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो जो हमने कल लास्ट क्लास में कंपनी बनाना सीखा था ना, आज उसके अंदर से थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ नया करके सीखेंगे और फिर हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने आपको कंपनी बनाना तो सिखा दिया था कि आप लोग जाके क्रिएट कंपनी कर दो, लेकिन कल मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई थी जो आज आपको लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सब क्या चीज़ें हैं पता होना, उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कंपनी बनाते वक्त ना हमें सबसे पहले यहाँ पर आना है, कहाँ आना है, सेट डाटा डायरेक्टरी पे। ये कंपनी की लोकेशन होती है, कंपनी कहाँ से चल रही है। जैसे भी आप देखोगे तो आपकी कंपनी डी ड्राइव ए बी सी डी के फोल्डर के अंदर। ये कंपनी मतलब आपके हर सिस्टम में एक डी ड्राइव होती है। क्या होती है? आपके सिस्टम में एक डी ड्राइव होती है। क्या होती है? डी ड्राइव होती है जिसके अंदर आपके बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं। आप देखोगे मेरे नाम का ये फोल्डर है, मैंने इसको बीजी से लिंक कर दिया कि मैंने कहा जो भी कंपनी बनेगी कौन से फोल्डर बनेगी मेरी ए बी सी डी कंपनी के अंदर बनेगी। तो आपको अगर ऐसा करना आप चाहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी को इस वाले फोल्डर के अंदर रखना है, तो आपको सबसे पहले कंपनी बनाने से पहले ना यहाँ पर आके इस फोल्डर पे क्लिक करके आपको एक लोकेशन देनी कि मेरी कंपनी इस लोकेशन में जाके बने और यहाँ से आप ओके कर आपको ओपन करके देखेंगे तो आपकी कंपनी की लोकेशन फिल होगी। लेकिन अभी यहाँ पर नो कंपनी इसलिए फाउंड हो रहा है क्योंकि इस फोल्डर के अंदर हमारे पास अभी कोई भी कंपनी नहीं है। लेकिन अगर मैं ए बी सी डी फोल्डर की कंपनी की लोकेशन दे दूँ, क्या दे दूँ मैं ए बी सी डी, भाई यहाँ लगा लेना आप पीछे। अगर मैं ए बी सी डी की लोकेशन दे दूँ, मैं अगर इस फोल्डर पर क्लिक करूँ और यहाँ से जाके मैं इसकी लोकेशन दे दूँ, तो आप लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। मैं दोबारा ए बी सी डी फोल्डर की लोकेशन दे दूँ और ओके करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ से कंपनी शो होना दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो याद रखना कि अगर आप लोग जब भी किसी के यहाँ काम कर रहे हो या अपनी कंपनी बना रहे हो, तो सबसे पहले अपनी कंपनी की लोकेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी उस फोल्डर के अंदर लोकेशन दिख रही है या नहीं। क्यों? अगर जब आप कंपनी ओपन करते हो तो आपको ओपन के अंदर भी यहाँ से कंपनी आपको मैंशन हो जाएगी, कंपनी आपकी कौन से फोल्डर कौन से डायरेक्ट पे बन रही है, ठीक है। तो आपको कंपनी बनाने से पहले अपनी एक लोकेशन को ध्यान रखना है कि मैं कंपनी कौन सी फोल्डर और कौन सी ड्राइव में बना रहा हूँ, उसके बाद आपको कंपनी को क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब आता है क्रिएट कंपनी। तो मैंने कल आपको बता ही दिया था कंपनी कैसे बनाते हैं और तो आपने बना ली, लेकिन आज लोग आप लोग क्या करोगे, जो भी कंपनी बनाओगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कंपनी बनाइए, तो कंपनी बनाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि ये कंपनी बनाओ इस नाम की, तो जब आप कंपनी बनाएंगे ना इस नाम की, तो कंपनी को बनाने से पहले, कंपनी बनाने से पहले इसके नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, कहाँ आके माई कंप्यूटर में आगे क्या करके फोल्डर बनाएंगे। अगर आप लोग यहाँ खड़े हो और आपको डायरेक्ट माई कंप्यूटर पे जाना है, तो अपने कीबोर्ड पे आप विंडो प्लस ई दबा दीजिए, विंडो के साथ ई दबा देंगे तो आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने माई कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसके अंदर? तो आप इस तरीके से अपने माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे। जब आप विंडो प्लस ई दबाएंगे तो आपका माई कंप्यूटर आपके सामने आ जाएगा और भी किसी भी ड्राइव में जाके आप यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नाम से यहाँ से फोल्डर बन जाएगा, जो भी आपको फोल्डर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया ए बी सी डी, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। और कंपनी बनाने से पहले इस फोल्डर की यहाँ से क्या कर दूंगा, मैं लोकेशन दे दूंगा, बस और कुछ भी नहीं करूँगा। अब मैं देखो लोकेशन दे दी तो यहाँ पर कंपनी ब्रांड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी कंपनी इसके अंदर न्यू है, अभी कोई कंपनी नहीं बनी है। अगर बनी होती तो आपको दिख जाती, क्लियर है। फिर ऐसे यहाँ पर जाके आप लोग क्या करना, कंपनी को क्रिएट करना और जो भी वो कंपनी का नाम आपको बोलेगा वो नेम को आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे प्रयाग बोला तो आप यहाँ से कंपनी के नाम को डाल देना, ठीक है। फिर कंपनी का शॉर्ट नेम पी 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 एल सी,
ठीक है, तो आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं। प्रिया पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंट्री इंडिया, स्टेट आपका दिल्ली है, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है एम डोट बाई बिगनिंग फ्रॉम, कि आपको कंपनी कब से स्टार्ट करनी है, तो आप यहाँ पर वो डेट डाल देंगे जो मैंने कल आपको समझाया था। यहाँ पर दिया भी है एग्जाम्पल, लेकिन आप क्या बोला उसने फाइनेंशियल ईयर, उसने बोला बिजनेस स्टार्ट, क्या बोला उसने बिजनेस स्टार्ट 1/6, और मैंने आपको बताया था कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जाके बंद होता है। कंपनी चाहे 1/6 को बने, और कंपनी बंद कब होगी आपकी सेम डेट में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर बिजनेस डेट गिवन हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस उसके स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर को अपने मन में फोकस कर लेना कि उसका स्टार्टिंग ईयर कौन सा है। तो आपको मैंने बताया कि बाय बिगनिंग फ्रॉम डेट, कि आपको कब से स्टार्ट करना, तो हमने बोला कब से स्टार्ट करना है 1/4/2017 से, कब से स्टार्ट करना है आपका 1/4/2017। हेलो ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, फाइनेंशियल मैंने कल ही बताया था, फाइनेंशियल ईयर वो होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, जब फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। बुक कमेंसिंग फ्रॉम को मैंने आपको मतलब बताया था कि आप जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वही डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है, फिर कंपनी का जो भी एड्रेस डालना है वो कंपनी का आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है, आइटम को बना लिया और उसको कर दिया, ठीक है। तो आपका जो भी कंपनी का नेम हाँ दिखाओ, हाँ एंटर मारो पहले, F9 करो, दोबारा आइटम का नेम डालो, ठीक है। फिर यहाँ पर कंपनी का सिन नंबर गिवन था, मैंने आपको सिन नंबर बताया था, कॉपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर आईटी बैंड डाल दोगे कंपनी का वार्ड नंबर, कंपनी का टेलीफोन नंबर, कंपनी का बैंक नंबर, और इसको मैंने यहाँ पर बता के फटाफट कंपनी को सेव कर दिया था। तो आप इस तरीके से आप लोगों को आज भी कंपनी सेव करनी है, लेकिन कंपनी को सेव करने से पहले आप लोगों को क्या देना है, कंपनी की लोकेशन को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है कि आपकी कंपनी कौन से फोल्डर और कौन सी लोकेशन पे जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप ये देंगे नहीं तो आप इसका कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कंपनी बनाने से पहले ना आपको एक लोकेशन देनी है कि मेरी कंपनी इस फोल्डर और इस ड्राइव में जाके बने, उसके बाद आप लोगों को कंपनी यहाँ से क्रिएट करनी है। इतना आज आपके लिए होमवर्क है, आप इसको दोबारा से इसको यहीं बैठ के सब मुझे करके दिखाएंगे अलग अलग फोल्डर में, ठीक है। चारों कंपनी बनानी है अलग अलग फोल्डर में, देखो पहले इस नाम की कंपनी बनानी है आपको, फिर इस नाम की, फिर इस नाम की, फिर इस नाम की, जब चारों बन जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक टेस्ट नाम का फोल्डर होगा, और यहाँ पर जाके टेस्ट नाम पे आपको क्या करना है, उसको टेस्ट देना। देखो उसने क्या बोला, ओपन
जब आपकी कंपनियां बन जाएंगे ना तो चारों कंपनियों को कैसे ओपन करेंगे इसके बारे में देखो। जब उसने कहा कि मुझे कौन सी कंपनी ओपन करने को बोला है, विशाल, और आप लोग क्या करोगे, पहले तो चार फोल्डर बनाओगे अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से, उसके बाद मैं कहूँगा विशाल ओपन करो तो आप इस फोल्डर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जाओगे और कौन से चीज को ओपन कर दोगे, विशाल के फोल्डर को। अगर आप ये करोगे तो यहाँ पर जो इस फोल्डर के अंदर कंपनी होगी वही तो विजुअल होगी या कोई और दूसरी विजुअल होगी, तो वही विजुअल होगी ना, तो उसके बाद आपको ये करना है। तो आप लोगों को ये मुझे भी करके दिखाना है, आपका होमवर्क है, अभी मुझे यहाँ पर करके दिखाइए, आप चारों कंपनियां बना के, ठीक है ना। मालूम